आना होगा। बड़ी खबर जबलपुर से, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई है फायरिंग। मध्य प्रदेश जबलपुर से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई पुलिस वाले और बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए। सुमित, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जबलपुर से, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष हो गया है। पुलिस कर्मी और बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर घायल हो गए हैं, दोनों में जमकर बमबाजी, फायरिंग हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे पवन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ माहौल है वहां पर अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, जबलपुर में शाम को जैसे ही मतदान खत्म होने वाला था उसके 10 मिनट पहले ही, यानी लगभग 6:45 बजे घमापुर का शीतलामाई क्षेत्र है, रामलीला मैदान यहाँ पर है, जहाँ पर पोलिंग बूथ के पास में भाजपा और कांग्रेस के कार्यालय बने हुए, वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहले पथराव किया, इसी बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। यही नहीं, इसके अलावा AIMIM का जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र सोनकर, उनके घर के बाहर भी बमबाजी की गई। तो कुल मिलाकर जबलपुर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र, जो बेहद संवेदनशील मतदान केंद्रों में से आता है, वहां पर ये घटना हुई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी और कुछ अन्य पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है पथराव है उसमें चोटिल हुए हैं। फिलहाल मौके पर SP और कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, ये सभी मौजूद हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस क्षेत्र से दूर कर दिया गया है। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे को छावनी बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सुमित। अगली बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कहां से आ रही है। मुरैना से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त अपना, और खबर ये है, मुरैना से बड़ी खबर ये है कि मतदान के बाद यहां पर भी गोली चल गई। जी हां, अवैध हथियारों की सप्लाई काफी यहां पर हमें देखी। गोलीबारी में एक शख्स घायल भी हो गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में आमतौर पर ये आम बात होती है गोली चलना, लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का ये महापर्व है, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर सामने आती हैं तो थोड़ी निराशा जरूर होती है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और जो घायल हुआ है शख्स वो बीजेपी का समर्थक बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप उस इंजर्ड शख्स को देख पा रहे हैं। घायल व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी है, कोतवाली थाना इलाके की ये घटना है, जहां वोटिंग के बाद गोली चली और ग्वालियर इस शख्स को रेफर कर दिया गया है। मुरैना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अच्छी खासी वोटिंग MP में हुई है, लेकिन छुटपुट घटनाएं जो हुई हैं थोड़ी सी निराश करती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं आपकी कितनी